श्रीमती पांडे, स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसी संशोधन बिल के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन और विरोध किया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं गोरखपुर पुलिस प्रशासन ने धरना प्रदर्शन के तहत समय अनुसार से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर गोरखपुर पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे किसान के साथ जो उत्पीड़न किया जा रहा है किसानों के साथ, हम लोगों को निर्देश मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम लोग को धरना प्रदर्शन करना है। हम लोग नगर निगम में धरना प्रदर्शन के लिए सभी समाजवादी साथी गोरखपुर से महानगर के गए, लेकिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करके कार्यकर्ताओं को धकेलते हुए जेल में बंद करने का, पुलिस लाइन बंद करने का काम किया और षड्यंत्र कर रही है कि यहाँ से जेल भेजा जाए। कहीं ना कहीं किसानों के उत्पीड़न को लेकर के जो शासन का मंशा है कि जवान और किसान को आमने सामने कर दिया जाए, लेकिन इस साजिश में शासन और प्रशासन कामयाब नहीं हो पाएगा और जो भी माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश होगा किसानों के हित में, हम लोग सड़कों पर हमेशा उतरने का काम करेंगे।